नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। कहते हैं राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की सारी बातें और परेशानियां सुनकर उनका हल करे। कुछ ऐसे ही हैं यूपी के भगवाधारी मुखिया योगी आदित्यनाथ, जो अपनी जनता की परेशानी सुनकर तुरंत उसका हल निकालने के लिए निर्देश देते हैं। जी हाँ, इस रिपोर्ट में देखिए। गोरखनाथ मंदिर में तैनात जवानों पर हमले के बाद सोमवार की शाम गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौके पर ही एक्शन लिया और सुरक्षा को लेकर दो बार अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में उन्होंने जनता के बीच जाकर जनता की बातें सुनी। जी हाँ, सीएम ने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के तुरंत समाधान का निर्देश भी दिया। जनता दर्शन कार्यक्रम के बाद सीएम ने कमिश्नर, एडीजी, डीएम और एसएसपी सहित गोरखपुर जोन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बार फिर बैठक की। माना जा रहा है कि सीएम ने अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित निर्देश दिए। सीएम जब भी गोरखपुर आते हैं, हिंदू सेवा आश्रम में फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। जी हाँ, वहीं आज जनता दर्शन में 100 से ज्यादा अधिक फरियादी आए थे। सीएम योगी ने एक एक फरियादी के पास पहुंचकर उनकी समस्या जानी। जनता दर्शन में सबसे ज्यादा मामले जमीन विवाद से जुड़े आए थे। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि ऐसे मामलों का निपटारा तहसील स्तर पर ही हो जाना चाहिए। उधर लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग स्थित सीएम आवास पर भी जनता दर्शन कार्यक्रम का दूसरा दिन था। वहां भी जनता की भारी भीड़ लगी थी। राज्य सरकार के मंत्री लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे थे। यहां गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने एक एक फरियादी के पास जाकर उसकी समस्या सुनी और समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इससे पहले सीएम ने सुबह की पूजा के बाद मंदिर परिसर का भ्रमण किया। वहां गौशाला गए, उन्होंने गाय और बछड़ों को गुड़ खिलाया। सीएम कुछ देर वहां रहे और गाय बछड़ों को दुलार करते रहे। इसके बाद सीएम फरियादियों की समस्या सुनने हिंदू सेवा आश्रम पहुंचे। जनता दर्शन कार्यक्रम में गोरखपुर निवासी अनूप गुप्ता अपने 3 साल के बेटे श्रेयांश के इलाज की गुहार लेकर आए थे। पिता के मुताबिक उनके बच्चे को किडनी की समस्या है। इस पर सीएम योगी ने अधिकारियों से बच्चे के इलाज के दस्तावेज मांगकर मदद सुनिश्चित कराने को कहा। जनता दर्शन उसके बाद सुरक्षा पर हाई लेवल मीटिंग के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ रवाना हो गए। यानी कि जनता की हर एक बात सीएम योगी सुनकर उस पर तुरंत एक्शन ले रहे हैं। तो देखा आपने कैसे सीएम योगी की तरफ से जनता दरबार में आए लोगों की परेशानियों का तुरंत समाधान किया। वहीं अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं। वाकई राजा हो तो सीएम योगी जैसा। यही कारण है कि दूसरी बार भी जनता ने सीएम योगी पर भरोसा करके यूपी का मुखिया बनाया है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। जय हिंद।